सबसे पहला सवाल जो मैं पूछने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ वो ये कि आपके फिटनेस का राज क्या है? See, fitness is a lifelong pursuit for me. And this habit started way back when I was in school. So I studied in a boarding school, Rashtriya Military School, Bangalore, which is where I was a cadet. So there we played a lot of games in school. And a lot of games means I can't tell you, whole year we were playing. Boxing, athletics, hockey, football. So in fact, for a long time, motto of our school was play the game. So learned sports there and remained fit. Then of course, coming into the army, fitness is an essential requirement. But not everybody is able to maintain in the army also. But somehow I had this very strong desire to maintain my weight and fitness. In fact, it reached such a stage that from being a 100-200 meter runner, जो मेरी पहले इवेंट होती थी 100-200-400 भी दौड़ता, रिले भी दौड़ा कई साल तक अफसर बनने के बाद भी, उसका मुझे शौक हो गया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का. मैंने विदेश में यूएन में जब मैं था वहाँ मैंने मैराथन भी दौड़ी और 5,000-10,000 मीटर्स ये रेसें मैंने दौड़ी. मतलब मुझे फिर दौड़ने का शौक रहा, स्पोर्ट्स भी खेलता रहा. एक्टिव स्पोर्ट्स तकरीबन अभी भी मैं खेलता हूँ, मतलब बास्केटबॉल किसी भी टीम में खेल सकता हूँ अभी भी अपनी एज के हिसाब से. एंड फिर गोल्फ़ का शुरू हुआ, गोल्फ खेले. फिर योगा का मुझे बहुत 8-10 साल पहले योगा मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो योग में चले गए. और साल पहले जब मैं लद्दाख से आया तो मैंने मुझे साइकिलिंग का कहीं ना कहीं था कि मैंने साइकिल नहीं चलाई हुई थी, तो तकरीबन 35-40 साल के बाद मैंने साइकिल ली और मैंने साइकिलिंग शुरू करी. और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मुझे साइकिल पे इतना आनंद आने लगा कि मैंने जोधपुर में रहते रहते कोई 5-6 महीने में 3,000 किलोमीटर साइकिल चलाई. पिछले साल 15 अगस्त को मैंने 78 किलोमीटर एक स्ट्रेच में किया जो कि मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्रेच था साइकिल. मतलब ये कि आर्मी में आने से पहले भी आप फिटनेस को लेकर सजग थे और आर्मी से रिटायरमेंट के बाद में भी? हाँ, पहले से थे, बाद में भी चल रही है और अभी तो और ज़्यादा. अभी मैं क्योंकि रिटायर हो गया हूँ कुछ महीने पहले, अब ज़्यादा वो है कि मैंने क्योंकि एक तरीके से मैं देखता हूँ कि मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ यंग जनरेशन को, तो यंग जनरेशन के लिए मेरा एक कंट्रीब्यूशन है कि आई शुड बी अ रोल मॉडल, कि मुझे देखें तो हर चीज़ में देखें यार हमें ऐसा होना है. तो इसलिए ये साइकिलिंग है, योग है, वॉकिंग है और सही खाना खाना है. फिटनेस का एक भागना दौड़ना एक बात है, बट बहुत से लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि इसमें काफ़ी जो है फिटनेस में हिस्सा है. आप डाइट कैसी खाते हैं, आपका दिनचर्या कैसी आपकी, वो भी ज़रूरी है. आपके व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही है? आपकी माताजी की, पिताजी की, या कोई और, आपके बड़े भाई या कोई गुरु या कोई मित्र? एक्चुअली मैं किसी एक पे नहीं वो लगा सकता हूँ, उंगली नहीं रख सकता. फादर का कुछ साल बहुत इन्फ्लुएंस रहा लाइफ में, रहा, मैं वो रोल मॉडल मानता रहा उनको बहुत साल तक. बट वो एक स्टेज थी, जब स्कूल में चला गया वो उनका वो था कि भाई ये सपना उनका था, तो अफसर में बना ये उनका सपना साकार हुआ, उनकी इच्छा थी बहुत कि क्योंकि वो सिपाही से थे तो उनको था कि मेरा बेटा अफसर बनना चाहिए. तो ये मैंने उनका एक एम्बिशन पूरा किया और उनको प्राउड फील कराया, फैमिली को पूरे उसको. लेकिन मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत से लोगों का हाथ है. सबसे पहले मेरे स्कूल का है और स्कूल की लाइब्रेरी का है. मुझे टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा शौक नहीं था और मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया. टिपिकल स्कूल की जो पढ़ाई होती है, नंबर लेने की रेस में मैं कभी नहीं था. तो मुझे लाइब्रेरी में बहुत मज़ा आने लगा. और मैंने जब मैं 6th-7th में था तब से मैंने मुंशी प्रेमचंद, टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, और रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कविताएं, इनकी किताबें पढ़नी शुरू की. मैं रेसिटेशन में जाना शुरू किया. फिर मुझे इंग्लिश राइटर्स का बहुत शौक हुआ. मैंने लियो टॉल्स्टॉय और क्या कहते हैं आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और जो है ना फॉरेन के बहुत से ऑथर्स मैंने जो है ना विक्टर ह्यूगो वगैरह को पढ़ना शुरू किया, ओ हेनरी को पढ़ना शुरू किया. तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि मेरा जो पूरी ज़िंदगी मेरी जो है बुक्स ने चेंज करी. तो वहाँ मुझे ये आभास हुआ कि हम क्या हैं और दुनिया कहाँ है. तो बहुत सादत हसन मंटो, साहिर लुधियानवी, पोल्ट्री का मुझे शौक हुआ. मैंने लिखा काफ़ी, स्कूल की मैगजीन को एडिट किया काफ़ी टाइम के लिए. मेरे पास मेरी अपनी कलेक्शन है पोएम्स की और स्टोरी बुक्स की, हाँ मेरी लिखी हुई, वो मुझे शौक रहा.
फिर ये पढ़ने का मेरे कीड़ा सारी उम्र रहा, वो आज तक है। मैंने बहुत मतलब, और फिर चेंज होता रहा जॉनर, चेंज होता रहा किताबों का, पोएट्री और यू नो फिक्शन से लेके फिर सीरियस बुक्स ऑन यू नो इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, फिर यू नो हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व, फिर वॉर हिस्ट्री के ऊपर, और फिर मुझे लिखने का भी साथ में शौक था। तो फिर मुझे लीडर्स बहुत अच्छे अच्छे मिले, जहाँ मैं कमीशन हुआ मेरी यूनिट में फर्स्ट गार्ड्स जो सीनियर मोस्ट बटालियन थी इंडियन आर्मी की, उसमें मुझे एक लीडर मिले जो ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुए, उनका नाम है पुष्पिंदर सिंह मान। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी शेप किया। वो सीओ थे और मैं कैप्टन था, तो बहुत गैप था, लेकिन उनके साथ क्योंकि मैं एडजुटेंट था तो मैं उनके साथ आई वॉज लाइक ए स्टाफ ऑफिसर टू हिम, टू द कमांडिंग ऑफिसर, तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी मेरी पर्सनैलिटी में झलक है। वो बहुत ही हाई इंटीग्रिटी थी उनकी, बहुत हाई इंटीग्रिटी, मतलब उनसे सच्चा इंसान नहीं मैंने देखा इतनी, मतलब ज़्यादा उनके कैरेक्टर में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, फिजिकल फिटनेस। और वो गांव के रहने वाले थे, उन्होंने गांव से पढ़ के वो ऑफिसर बने थे, बहुत कामयाब ऑफिसर, और पब्लिक स्पीकिंग भी काफ़ी हद तक मैंने उनसे देखा कि बस पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते थे, किसी प्रेजेंटेशन के लिए कैसे तैयारी करते थे, कैसे रिसर्च करते थे किसी सब्जेक्ट पे। तो उनका फिर उसके बाद वो भी एक इन्फ्लुएंस रहा कुछ साल। फिर जैसे जैसे मेरी लाइफ की जर्नी चलती रही, काफ़ी लोग मिले मुझे, मिलिट्री लीडर्स, सिविल से भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रहा, बुक से बहुत इंस्पायर्ड रहा लोगों के, तो लॉट ऑफ पीपल। आपकी स्कूलिंग सिविलियन स्कूल्स में हुई या आर्मी में? मेरी अर्ली एजुकेशन गांव की है, एक गांव है बास करके, हिसार जिले में गांव है, हिसार में है? हाँ, हिसार में गांव, हिसार में पड़ता है, बट ये है भिवानी मुंडाल रोड पे, बहुत बड़ा गांव है। तो शुरू की मेरी एजुकेशन वहाँ पे है कुछ साल, फिर मैं फादर के साथ, वो जब आई थिंक मैं तीसरी या चौथी में था, वो आर्मी में थे तब तक, वो जूनियर कमीशन ऑफिसर बन गए थे नायब सुधार, फिर वो देहरादून ले गए हमारे को, तो वहाँ रही, और फिर मैं पांचवी में मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया, फिर पूरा बोर्डिंग में रही मेरी एजुकेशन। ओह, फिर तो आप प्राइमरी लेवल से मिलिट्री स्कूल में ही पढ़े हैं। एक्चुअली मिलिट्री स्कूल, मेरी पर्सनैलिटी मेरे स्कूल ने ही डेवलप करी, उससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था। एक सिविलियन स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में मुख्य अंतर कहाँ पर आता है? मेजर डिफरेंस ये आता है कि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल ये एक जैसे स्कूल हैं दोनों, इनका ध्येय है मिलिट्री के लिए फ्यूचर लीडर्स तैयार करना। तो उसमें करिकुलम पीटी है, स्पोर्ट्स है, ड्रेस है, टर्नआउट है, सैल्यूटिंग है, ये सब पार्ट और पार्सल ऑफ हमारा डेली रूटीन है। सो इट ट्रेन्स यू टू बी फ्यूचर लीडर्स ऑफ द आर्मी। तो एनडीए के लिए तैयारी कराते हैं बच्चों को कि ऑफिसर बनाने के लिए, ये फ़र्क है। तो बोर्डिंग में थे तो खेलने कूदना, ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत जोर था, ये लीडरशिप के स्किल्स जो है वो हमारे स्कूल में, ये फ़र्क है। मतलब हाँ, उनका फोकस आर्म फोर्सेस के लिए रॉ मटेरियल तैयार करने में है। हाँ, फोकस्ड है कि आर्म फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्सेस ऑल थ्री सर्विसेज के लिए, इसलिए हमारे मेरे स्कूल के बहुत थ्री स्टार टू स्टार जनरल्स रिटायर हुए हैं और हैं अभी भी, सर्विंग भी हैं। जनरल साहब, अगर कोई युवक या युवती आर्म फोर्सेज में जाना चाहता है तो उसके लिए IMA, NDA जैसे और कौन कौन से संस्थान हैं जो एंट्री पॉइंट्स बन सकते हैं? देखो, आर्मी में, आर्म फोर्सेज में आने के अभी बहुत तरीके हैं। सबसे पहले तो NDA है जो कि 12th के बाद, दैट इज़ अ फीडर इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल थ्री सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के लिए। और वहाँ ग्रेजुएशन कराते हैं, वहाँ आपको BA, BSc, BTech की डिग्री कराते हैं। NDA खड़गवासला में है ना? सिर्फ खड़गवासला में, बट उसके साथ साथ ही एक टेक्निकल एंट्री स्कीम भी है जो कि डायरेक्टली जो बच्चे 85% एंड अबव मार्क्स लेते हैं 12th में, वो सीधा SSB फेस करते हैं, वो सीधा इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं 4 साल के, 3 साल वो मैं ऑफिसर बन जाते हैं लास्ट ईयर में, वो जाते हैं ऑफिसर, वो भी दे आर डूइंग वेरी वेल, ऐसे नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, आर्मी के लेते हैं। देन वी हैव अ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड देन वी हैव अ परमानेंट कमीशन थ्रू IMA। सो शॉर्ट सर्विस कमीशन थ्रू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया, एंड IMA इज़ फॉर परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री जो ग्रेजुएशन करके जाते हैं, या जो NDA से 3 साल की डिग्री करके फिर IMA आते हैं, फिर इकट्ठे पास आउट होते हैं। आजकल के माहौल में जो भी अच्छे परफॉर्मर बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, CA बनने का सपना देखते हैं,
आर्म फोर्सेस भी एक शानदार करियर है, ऑप्शन है, उनको शायद ये एहसास नहीं है। इस बारे में आपको क्या लगता है? उनको एहसास है, अब वो बहुत एहसास है, मतलब लाखों बच्चे हर साल एनडीए के लिए, टेक्निकल एंट्री के लिए, शॉर्ट सर्विस के लिए, आईएमए के लिए अपीयर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। एंड मतलब हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एसएसबीज हैं, वो मतलब और भी अगर 5-7 खड़े कर दिए जाएं तो भी हम जस्टिस नहीं कर सकते, इतने कैंडिडेट आते हैं सिलेक्शन के लिए। और उसमें से आप समझ लो कि ये फॉर्चुनेटली हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हैं आर्म फोर्सेस के लिए, नेचुरली देयर इज नो रिजर्वेशन फर्स्टली, तो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और सिर्फ 3-4% सिलेक्शन रेट है जितने कैंडिडेट्स आते हैं रिटर्न एग्जाम क्लियर करके। तो आप सोचो कि पर 100 3 or 4 आर मेकिंग इट, प्लस अभी गर्ल्स भी आ रही हैं, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, उनकी सीट्स कम है बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन द सिलेक्शन सिस्टम एंड एज वेल एज इन द एकेडमी। तो अभी देर इज ऐसी बात नहीं है, देश में बहुत नौजवान बच्चों को इसका बहुत इल्म है, जानते हैं और बहुत ट्राई कर रहे हैं। मेरे साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए सोशल मीडिया के थ्रू ये आर्मी में ऑफिसर्स बनने के लिए, और जो नहीं बन पाते वो फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह में चले जाते हैं। सो देर इज काफी है बच्चों का, ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं। सेना अपने अधिकारियों को वेतन के अलावा और क्या क्या सुविधाएं देती है? I mean, what perks are available to the soldiers and officers? देखो ये सेना नहीं, मैं मुझे कहना चाहिए देश, बिकॉज ये मैं बता दूं बात कि इंडिया, द वे इंडिया लुक्स आफ्टर इट्स आर्म फोर्सेस इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये मैं स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं विदेश में 35-40-50 देशों की फौजों के साथ ट्रेनिंग कर चुका हूँ, और अच्छे टाइम के लिए, 1 साल यूएन में रहे, 1 साल बांग्लादेश में रहे, फॉरेन में गए कई बार। तो जो हमारे को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, मेडिकल है अपने को, पूरी फैमिली को, डिपेंडेंट पेरेंट्स को, उसके बाद आपको साल में घर आने जाने के लिए फ्री ट्रैवल है, फिर आपको लोन की बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, फिर आपको बाई चांस अगर चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है तो अगर आपको वो छोड़ना पड़ता है, सो दे गिव यू वेरी गुड पैकेज, यू नो डिसेबिलिटी वगैरह देते हैं, हाँ, देन यू गेट कैंटीन की सर्विसेज हैं जहाँ आपको यू नो अच्छे गुड्स वगैरह मिलते हैं, बाई कार से लेके आप टॉयलेटरीज तक ले सकते हैं, फिर यू गेट गुड हाउसिंग, बाय एंड लार्ज यू गेट हाउसिंग डिपेंडिंग ऑन द स्टेशन एंड दैट यू गेट अ गुड हाउसिंग, देन यू गेट गुड स्कूल्स फॉर योर चिल्ड्रन टू स्टडी, एंड देन व्हेन यू गो इन फील्ड एरियाज देन देर इज अ बैकअप सिस्टम इन द आर्मी वेयर योर चिल्ड्रन एंड वाइफ आर टेकन केयर ऑफ, देर आर सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन, यू वेयर योर चिल्ड्रन एंड वाइफ कैन स्टे, दे आर टेकन केयर ऑफ। सो एक इको सिस्टम है आर्मी का या आर्म फोर्सेज का, वेयर द कंट्री स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम ऑन योर मेंटेनेंस एंड योर मोरल, तभी तो आप देश के लिए आगे जाके, घर की चिंता करते रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों में तो आप कैसे आगे अपना वो कर पाओगे। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। फैमिली के बारे में वाइफ है, हाँ वाइफ है मेरी मनीषा, एंड ये मैं बता दूं कि उनका मेरी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है, बिकॉज शी वॉज एन MSc इन केमिस्ट्री जब हमारी शादी हुई, मैं तो पढ़ाई में काफ़ी उनके मुकाबले में कम भी था और मुझे साइंस और मैथ से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था, तो इनफैक्ट हर सपोर्ट एट ईच स्टेज स्पेशली इन माई अकेडमिक्स वॉज ट्रेमेंडस, शी गेव मी दिस फीलिंग कि नहीं नहीं योर केपेबिलिटीज मच मोर देन आई समहाउ असेस्ड माई सेल्फ लेस देन वॉट आई एम टूडे। तो मेरी वाइफ का, मेरे जीवन साथी का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा इस चीज़ में, प्लस जब मैं फील्ड में था इधर उधर जाता था, वी हैव टू बॉयज, शी ब्रॉट देम अप, दे आर वंडरफुल बॉयज, वेरी हेल्दी टॉल पीपल, वी आर डन इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोथ ऑफ देम, वेरी गुड इन स्टडीज, तो उसमें सारा का सारा वॉज वाइफ का, देन शी हेल्ड द होम, शी वॉज एंड इसके अलावा शी केप्ट टीचिंग, उन्होंने मेरे साथ अपनी जॉब छोड़ी, उन्होंने शी वॉज अ लेक्चरर इन कॉलेज, छोड़ दी जॉब, ये थी जब मेरी शादी हुई 88 में, हाँ, क्योंकि मेरे साथ मैंने कहा देखो अगर यहाँ तुम नौकरी करती रहोगे फिर फायदा नहीं है शादी करने, देन शी हैड अनदर परमानेंट जॉब एज प्लस टू लेक्चरर, वो छोड़ दी, तो फिर वो मेरे साथ साथ जहाँ मेरी पोस्टिंग होती वो कहीं नर्सरी से लेके उन्होंने 12th तक पढ़ाया,
हर दो साल में अच्छा, वो कहीं पर कहीं ना कहीं आर्मी स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में या किसी उसमें, और बच्चों को पढ़ाते रही। तो वाइफ का बहुत, और आर्मी में है भी वाइफ का रोल, बिकॉज यू आर नॉट एट होम। इवन पीस में हम घर में नहीं होते, तीन तीन चार चार महीने निकल जाते हैं फायरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, दूर चले जाते हैं, कहीं 1000 किलोमीटर दूर कहीं चले गए, फिर 3-4 महीने में आए आप। तो इट इज़ अ वाइफ हु टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज क्लोजर टू माय वाइफ देन मी। मेरी मदर यूज टू स्पीक, मेरे से अगर 1 मिनट बात होती थी, वाइफ से 15 मिनट बात होती थी। वो शी हेल्ड माई फैमिली टुगेदर, शी ब्रॉट अप माई चिल्ड्रन, एंड मेरे जो फैमिली में जो आज मेरा जो भी स्टैंडिंग है, इट्स बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी हैज़ रिमेन्ड इन टच विद ऑल माई रिलेटिव्स एंड सबके साथ। प्रॉब्ली कहीं ना कहीं एक स्टेज आता है सबकी लाइफ में जहाँ आप मतलब थोड़ा रिलैक्स कर गए, यानी क्यों, हमारा बड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव आई थिंक एनवायरमेंट टू रीच द टॉप इज इन डिफेंस फोर्सेज, बिकॉज हमारा पिरामिड ऐसे है, वी हैव ओनली वन चीफ, और वो 3-4 कोर्स में से जाके बनेगा। वी हैव 50-odd लेफ्टिनेंट जनरल्स, सो दैट विल बी अ यू नो नॉट इवन 1% मेक इट, वेर आई रीच मेजर जनरल, नॉट इवन 1.5% मेक इट टू दैट रैंक। सो माई बैच आउट ऑफ 1100 ऑफिसर्स, मे बी वी आर 30-35 मेड इट टू दिस रैंक। तो अब इट इज अ वेरी वेरी स्टीप पिरामिड, सो देयर ईच स्टेज, ईच परफॉर्मेंस, ईच ईयर्स योर आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट। So I couldn't have, at least I didn't have this in me when I joined, if it was not her contribution. जिन दिनों शांति काल होता है, कहीं कोई युद्ध नहीं चल रहा होता, उन दिनों सेना क्या करती है? उन दिनों आर्मी के पास बहुत काम होते हैं। In fact हम we don't mind being in operations and operational areas, वहाँ वक्त मिलता है पढ़ने का, लिखने का, काम करने का। But पीस में हमारा रूटीन बड़ा वो होता है, एक तो घंटे की पीटी सुबह, ऑल ऑफ अस मॉर्निंग में 1 आवर, ठीक है, देन ऑफिस में यू आर इधर कमांडिंग अ कंपनी, आपके पास कोई ना कोई यू नो कोई ना कोई ऐसे टास्क होता है, आप स्टाफ ऑफिसर हो या कुछ है, काफ़ी लिखाई पढ़ाई का काम होता है, जवानों के की ट्रेनिंग करानी है, उनके ट्रेनिंग का सिलेबस बनाना है, आपने ट्रेनिंग खुद करनी है और उनको ट्रेन कराना है, तो हर रोज़ कोई ना कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना होता है, एंड देन नाइट ट्रेनिंग भी होती है, फिर इतना इक्विपमेंट है, मतलब 1000 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट है, डिपेंडिंग ऑन आप इन्फेंट्री में हो, आर्मर में हो, मेक में हो या टेक्निकल आर्म्स में हो। तो इमेजिन अगर आपके पास 10-12 टैंक्स हैं इस टाइप, उनकी मेंटेनेंस, आपके गन्स हैं उसकी मेंटेनेंस, तो आपको यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो योर ट्रेनिंग एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ मैन अंडर यू एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस कॉस्टली इक्विपमेंट विच द नेशन बाइज, वेरी वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, तो इट्स मेंटेनिंग दैट इटसेल्फ, and then training also, and then going for various training courses, enhancement of your capabilities by way of various upgradation courses, cadres, ye chalta rehta hai, bahut busy life rehti hai, hame pata nahi chalta subah kab hui aur sham ko kab raat hoti hai। General sahab, aapko apne seva kal mein border par rehte hue bhi yuddh jhelna pada, matlab aap khud bhi border par rahe hain? Dekho main un logon mein haan main un logon mein se hu jinko काफ़ी टाइम इस टाइप की मतलब फायरिंग में या युद्ध क्षेत्र में या युद्ध जैसी स्थिति में रहना पड़ा। मैंने बताया 3 साल मैं पुंछ में रहा, पुंछ रजौरी में, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहाँ पर कि मतलब ऐसी स्थिति है कि अगर आप नज़र आ गए तो गोली आनी है, तो आपने कैसे अपना ख्याल रखना है, अपने जवानों का ख्याल रखना है, अपने वो लाइन को, देश की मतलब अखंडता को, आप बात करते हैं ना संभालना है, वो हम संभाल रहे होते हैं वहाँ, क्योंकि वो बड़ी फ्रेजाइल सी लाइन है, कभी उन्होंने कुछ कर दिया, कभी हमने कुछ, तो इसलिए उस पर काफ़ी, जब मैं वहाँ था तो काफ़ी दौर था जहाँ बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम था, बहुत ही फायरिंग होती थी और काफ़ी दोनों तरफ से गर्मा गर्मी होती थी। फिर पंजाब में मैंने पंजाब के उग्रवाद को पूरी चरम सीमा पर देखा, मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं जब उग्रवादियों के साथ हमारी मुठभेड़ हुई है, तो दैट वॉज वॉर लाइक सिचुएशन। उसके बाद कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, जहाँ मुझे आप पूछ रहे थे अवार्ड सेना मेडल क्या है, मुझे साउथ कश्मीर में मिला है, जहाँ हमने बहुत एक्टिव जो है टेररिज्म को देखा है, इंटीरियर एरियाज़ में, पहाड़ों में, जंगलों में, बहुत मतलब टफ एरियाज़ में हमने नौकरी करी है इन लोगों को करते हुए। और उसके बाद लद्दाख में मैं हाई एल्टीट्यूड में 2 बार रहा हूँ, ये एग्जैक्टली एरिया जहाँ पर अभी हमारा स्टैंड ऑफ हुआ चाइना के साथ पिछले साल मई में, मैंने वहाँ नौकरी करी है एज ए कमांडिंग ऑफिसर एंड देन एज ए जनरल ऑफिसर। हाँ,
So I have been in, forefront of very very tough areas and operational areas. बहुत लंबा और शानदार सफ़र आपने तय किया है, सेकंड लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करके आप मेजर जनरल के पद तक पहुंचे हैं। हाँ, बहुत लंबा करियर, बहुत सारे। आप देखो, सेकंड लेफ्टिनेंट हम एक स्टार के साथ हुए थे और जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी गाड़ी पे दो स्टार थे। आप सेना में गए तो ग्रेजुएट थे और बाहर आते आते डॉक्टरेट भी कर चुके हैं, ये सब पढ़ाई करने का समय कब मिल गया आपको? देखो, मैं ये बताऊँ, मेरा नहीं था शुरू में टेम्परामेंट, ये टेम्परामेंट मैंने बिल्ड किया जैसे जैसे मुझे समझ आती गई। और ये टेम्परामेंट मेरा डेवलप होना शुरू हुआ तकरीबन 7-8 साल की सर्विस के बाद, कि यार पढ़ना भी चाहिए, कि अगर अच्छा लीडर बनना है, अगर आर्मी में भी अगर आगे जाना है तो आपके पास देखो और कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप कुछ डिसीजन ले सकते हो, आप इन्फॉर्म्ड हो सकते हो। तो फौज में पढ़ाई की बहुत वैल्यू है। तो जब मैं स्टाफ कॉलेज, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया तो वहाँ मैंने फिर MSc की मद्रास यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन के साथ करी, जहाँ हाँ मैंने मास्टर्स किया डिफेंस स्टडीज़ में, डिफेंस। हाँ, फिर मैंने उसके बाद मैंने दोबारा मास्टर्स किया, मास्टर्स इन डिफेंस स्टडीज़ फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ढाका बांग्लादेश से, अगेन विद डिस्टिंक्शन। फिर मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के MPhil प्रोग्राम ज्वाइन किया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का, वहाँ मैंने किया ये 2009 में। फिर तब मुझे ये लगा कि यार मैं तो PhD भी कर लेना चाहिए, ये एक पर्सनल एम्बिशन था इसका। PhD का आर्मी में कोई मतलब वो नहीं है, कोई अलाउंस नहीं, कुछ नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, बट एक एनहांसमेंट थी। तो ये मैंने 3-4 साल ट्राई किया एडमिशन लेने के लिए कई यूनिवर्सिटीज़ में। फाइनली मैंने उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैंने MPhil किया तो मैंने एडमिशन लिया। 2017 में मेरा स्टार्ट हुआ PhD, तो 4 साल का था। मैंने 6 महीने पहले सबमिट किया और सारे जो प्रोग्रेस सेमिनार्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी कंडीशन, सब टाइम पे हाइपोथेसिस सबमिट करना, चैप्टर सबमिट करना, उनके जो सेमिनार्स अटेंड करने हैं फैकल्टी के सामने, अपनी जो रिसर्च हुआ उसको करना, वाइवा वगैरह जितने हैं। एंड फाइनली माई PhD वॉज असेस्ड as one of the most best marked PhDs from external examiners point of view, which was a very satisfying thing for my guide as well as for me and the department also.